कलियर के क्षेत्र के आप देखो, यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उन्हें लगाते हैं और वो चोरी करते हैं कावड़ के भेष में। वो अब्दुल हमीद है या कोई भी है तो अपना नाम उसके साथ जोड़े। अभी तक तो वो अपनी पहचान दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज सरकार ने पहचान मांग ली है तो पहचान छुपानी है, क्यों छुपानी है? अगर आपकी भावना सही है तो आपका नाम ना तो आपकी पहचान के आड़े आ सकता, ना आपके व्यापार के आड़े आ सकता है। हम तो यहाँ भुगत रहे, देख रहे कावड़िए के बेस में वो क्या नाम है, मुस्लिम बच्चे, और वो चोरी करते पकड़े हमने यहाँ। हिंदू भी तो अपना नाम लिख रहा है, मुसलमान अगर उधर से गुजर रहा होगा तो मुसलमान भी स्वतंत्र खाए ना खाए। सिखों की दुकानें इतनी सारी, सिखों, हमने किसी को कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ एक वर्ग को क्यों आपत्ति हो रही है? इसका मतलब उनके कहीं ना कहीं मन में चोर है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। कांवड़ यात्रा 2024 की इस सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम कांवड़ यात्रा 2024 के शुरू से आपको पूरी कांवड़ यात्रा का कवरेज दिखा रहे हैं, और उसी संदर्भ में आज हम रुड़की के पंचशील मंदिर में हैं, जहां पर पंचशील मंदिर समिति द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया है, भंडारा लगाया गया है, कांवड़ियों के लिए कैंप लगाया गया है। तो पंचशील मंदिर की समिति के जो अध्यक्ष है, कमेटी है, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जो ये यहाँ पर कैंप लगाया गया है, भंडारा लगाया गया है, कितना टाइम हो गया है, कब से ये भंडारा यहाँ पर चल रहा है? ये भंडारा, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जय भोले की। 18 तारीख से लगातार ये चल रहा है, 24 घंटे भंडारा चल रहा है, और इसमें भोलों के लिए सारी सुविधाएं हैं। इसमें क्योंकि महिलाओं को अलग नहाने की, शौचालय की, कपड़े बदलने की, और सभी भोले भक्तों को दवाई की आवश्यकता होती है, और भोले को कांवड़ झुलाने के बाद में नहाने की, क्योंकि उसके बाद में पूजा करके ही आगे दूसरे स्थान पे जाते हैं, उनकी पूजा की व्यवस्था, मतलब जिस तरह की इन्हें आवश्यकता है, सभी सुविधाएं यहाँ समिति, मंदिर समिति की तरफ से यहाँ की जा रही हैं। और ये 18 तारीख से चल रहा है, और जब तक ये प्रशासन इधर को कांवड़ियों को भेजेंगे तब तक ये लगातार चलता रहेगा, आगे भी उम्मीद है कि चलता ही रहेगा। सर, रोज़ कितने लोग कांवड़िए यहाँ पर आ रहे हैं, और आप जैसे भंडारा कर रहे हैं तो कितने कांवड़ियों का भोजन यहाँ पर हो रहा है? लगभग एक समय में 1,000-1,500 लोग आते हैं एक समय में, और किसी दिन कम हो जाते हैं, जैसे आज कुछ दोपहर में कम लग रहा है गर्मी की वजह से, या पंचक लग रहे थे, तो ये 1,500 कांवड़िए एक समय में आते हैं, और हमारा रात को भी कहीं भी पूरे रुड़की का भंडारे बंद हो जाएंगे, यहाँ भोजन मिलेगा, और अभी भी ये शाम तक दूसरा भंडारा शुरू होगा, उससे पहले चलता ही रहेगा भोजन। सर, जो ये कमेटी की तरफ से पूरा भंडारा लगाया गया है, ये आयोजन किया गया है, तो आप लोगों के पास कहीं से फ़ंड आता है, या फिर आप लोग कैसे ये सब मैनेज करते हैं? नहीं, कमेटी के पास कोई फंड तो कहीं से नहीं आता है। अपने जो श्रद्धालु हैं अपने शहर से जो भंडारा करना चाहते हैं, वो लोग आकर के यहाँ संपर्क कर लेते हैं, तो उनकी तरफ से एक दिन का, दो दिन का, जो उनकी इच्छा हो, एक समय का, जितनी जिसकी सामर्थ्य और इच्छा है उसके अनुसार वो अपना यहाँ भंडारा करता है। उसके अलावा कोई भी अगर श्रद्धालु नहीं होता है तो व्यवस्था पूरी समिति अपनी ओर से देख सकते हैं। लोग सारे हैं, भगवान का आशीर्वाद सबके ऊपर है भोलेनाथ का, और अनवरत चलता है यहाँ पर प्रथम दिन से और अंतिम दिन तक चलता रहेगा, चलता है। कौन कौन लोग इस पूरे समिति से जुड़े हुए हैं, या कौन कौन लोग जुड़ना चाहें तो वो आप लोगों से कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, 2020 से जब से यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर यहाँ था, उसको हटाया गया था, तब इसकी समिति अलग से हमारी बनी थी। अब उसके आदेश जी हमारे अध्यक्ष हैं, मैं भी सदस्य हूँ यहाँ की समिति में, और ऐसे करके 15-16 लोग हमारे इसमें समिति में हैं। जो लोग जुड़ना चाहें, जो लोग देखिए जुड़ना चाहे समिति से या सेवा से, दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं समिति में मेंबर बनना चाहता हूँ, या मंदिर में रह करके सेवा भाव, मंदिर में रहकर सेवा भाव से जो करना चाहता, जो भी सेवा भाव के मन से यहाँ आता है उसका हमेशा 24 घंटे स्वागत है, वो आ सकता है किसी भी सेवा के लिए, यहाँ वो अपनी सेवा लगा सकता है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे कि हम देखते हैं आप निरंतर सोशल सर्विस में रहते हैं, तो यहाँ पर जो ये भव्य भंडारा चल रहा है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत भव्य भंडारा है, और जैसे अध्यक्ष जी ने बताया, देखिए मैं निरंतर ये बात कह रहा हूँ कि दिया है तो बाती बन, किसी का तू साथी बन, और मन को कर ले मानसरोवर तभी मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा।
तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे अभी अध्यक्ष जी हमारे बता रहे थे इस बात को कि लोग ना सिर्फ यहाँ पे आके सेवा कर रहे हैं, पर मान लीजिए किसी का सामर्थ्य एक बोरी आटा का, इकट्ठा आटा का है, तो वो आटा ला के दे रहे हैं, कोई चीनी ला के दे रहा है। तो अपने अपने स्तर पे लोग जो हैं यहाँ पे सेवा कर रहे हैं, और नर सेवा ही नारायण सेवा ये मान के आप देखेंगे निरंतर जो है लोग लगे हुए हैं सेवा में दिन रात। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे पास लगातार आ रही हैं, कमेटी के पास आ रही हैं कि भाई हम लोगों को यहाँ पे जो है भंडारा कराना है। तो वो भंडारे के लिए भी लोगों की एक भावना है कि भाई किसी ना किसी तौर पर हम लोग भी सेवा से जुड़ें, और ये बहुत जो है ना सिर्फ रुड़की के लिए एक बड़ी जो है सुखद खबर है कि भाई हम लोग निरंतर जो है एक सेवा भाव से ये हमारा शहर के लोग जो है वो लोग करते हैं। यहाँ कोई राजनीति नहीं है, कोई भी प्रकार का व्यक्ति है चाहे वो भंडारा नहीं भी करा रहा हो, वो आके हम लोगों से जुड़ सकता है, यहाँ पे भंडारे का हिस्सा बन सकता है, सेवा में भाग ले सकता है। कोई एक एसोसिएशन, कोई एक ग्रुप या कोई इस प्रकार से यहाँ पे जो है भंडारा नहीं ऑर्गेनाइज किया जा रहा, यहाँ पे सब लोगों के हिसाब से भंडारा है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आए, भंडारे में हिस्सा बनना चाहता है, सेवा करना चाहता है, सेवा करे, भंडारा खुद करना चाहता है और सेवा देना चाहता है, उसके लिए भी उसका स्वागत है। सर, कावड़ियों से एक शिकायत हमें सुनने को मिली, और जैसे हम पूरा कवरेज कर रहे हैं तो हमने भी देखा कि रुड़की से थोड़ा ही अगर हम बाहर निकलते हैं तो भंडारों की, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं ज़्यादा बनवाए गए हैं जैसे हर बार होता है। तो कावड़ियों का ये कहना है कि जैसे पहले व्यवस्था होती थी, इस बार की व्यवस्था ऐसी नहीं है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं मानता हूँ कि शासन प्रशासन अपने स्तर पे एक व्यवस्था करते हैं, पर ये हमारे शहर के संस्कार हैं, हमारे शहर के जो बड़े थे, बड़े बुज़ुर्गों से जो ये संस्कार सबको मिले आगे अगली जनरेशन तक, उसी प्रकार से सब लोग, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, ये सब लोग इस संस्कार को आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर निरंतर आप देखेंगे हर साल जो है कांवड़ सेवा के लिए रुड़की, खासकर जो शहर है, नगर हमारा जो है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी का व्यक्ति हो, सब चीज़ों से ऊपर उठ के सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से लोग जुड़ते हैं। तो मैं मानता हूं कि हमारा शहर उस बार में है, शासन प्रशासन कुछ अपने स्तर पर उन्होंने ज़रूर किया होगा, वहाँ पर भी जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं उनसे भी निवेदन है कि भाई आप लोग भी जो है सेवा भाव से वहाँ पर कुछ ना कुछ कैंप जरूर लगाइए। जो कांवड़िए हैं, इन लोगों की बड़ी एक जो है बड़ी सेवा भावना, एक अपना जो है एक इतनी दूर से आते हैं, जल लेके जाते हैं, एक बहुत कठिन एक उनका परिश्रम है, तो उन पर कहीं पर भी किसी को भी किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत नहीं आनी चाहिए। धन्यवाद सर। सर, आप 4 दिन से यहाँ पर भंडारा लगा रहे हैं कांवड़ियों के लिए, कैसा अनुभव हुआ है आप? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, आप जनता की बात जनता के दिलों तक पहुँचाते हैं। देखिए, ये तो जहाँ तक मैं मानता हूँ, जो सावन का जो महीना है, ये मात्र सावन का महीना नहीं, एक ऊर्जा का स्रोत है, हमारी सनातन धर्म संस्कृति को मजबूत करता है, चारों तरफ भगवा ही भगवा है, और ऐसे लगता है कि जैसे हम अपने जीवन में वापसी आ गए हों। हमारा जीवन ही यही है, हमारा धर्म यही है। हम तो सोचते हैं कि ये कांवड़ का महीना एक महीना ना होकर 2-3 महीने का हो, हम अधिक से अधिक सेवा कर सकें। और 4 दिन से हमारा ये कांवड़ शिविर चल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है, आसपास सबका, सभी का पूरा स्वागत है, सभी लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर सेवा कर रहे हैं, कोई पानी की सेवा कर रहा है, कोई खाना खिलाने की सेवा कर रहा है, और हमारे इस सेवा इस शिविर में रहने की सुविधा है, सोने की सुविधा है, खाने की सुविधा है, जो भोले व्रत हैं उनके लिए व्रत के भोजन की सुविधा है, नृत्य की सुविधा है, जो भी सुविधा हम दे सकते हैं अधिक से अधिक सुविधा दी जा रही है। सर, जैसा कि होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो भंडारा लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, वो राजनीति में उभरने के लिए, हाईलाइट होने के लिए, लेकिन जैसा सर ने बताया कि यहाँ पर ऐसी कोई राजनीति नहीं है, तो उस बारे में क्या कहें? नहीं, देखिए, बात ऐसी है, राजनीति जो करेंगे वो करेंगे ही, लेकिन इस कैंप में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर कोई राजनीति नहीं है, सब डाउन टू अर्थ है, ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं, सब दिल से सेवा कर रहे हैं, कोई राजनीति नहीं है, बिल्कुल कहीं से कहीं तक कोई राजनीति नहीं है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो इतना भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपके चैनल के माध्यम से ये जो कांवड़ शिविर हमारे यहाँ मंदिर में चल रहा है, और ये बहुत ही कई सालों से जब से यहाँ से चला है, सेवा का भाव से सब यहाँ जुड़ते हैं यहाँ पे, और जितने भी कांवड़िए यहाँ जाते हैं सब खुश होकर जाते हैं, जैसी जैसी सुविधाएं यहाँ हैं वो आगे जाके भी वो बताते हैं कि वहाँ उस मंदिर में ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं, और दूसरों को भी इससे शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। सर, आपका कोई ऐसा अनुभव इस पूरे कैंप में अभी तक जो आपको याद हो और आप जनता के साथ शेयर करना चाहते हो? देखो, ये इससे एक जो आने वाली हमारी पीढ़ी है उस की धर्म के प्रति आस्था बढ़े,
आप देखिए कि 300-400 किलोमीटर से कांवड़ जल लेके, क्योंकि व्यक्ति बोल देता है तो ये ऐसे हैं, वे तो ऐसे हैं। आप ये देखिए, घर में भी हम बाथरूम में भी दूसरे से उम्मीद करते हैं कि पानी लेकर आए, ये 4-4 गाँव मुख से आ रहे हैं और 500-500 किलोमीटर। शुरू में 17 तारीख में हमारे यहाँ कांवड़िया आए थे, वो इस तरह के थे, अपने साथ बनाने वाले, एक ग्रुप था उनका, बनाने वाले अपने साथ लेके आए थे, कहने लगे हम किसी के साथ नहीं, किसी के हाथ का नहीं बनाया खाएंगे और हम खुद बनाएंगे। ऐसे लोगों के लिए कांवड़ शिविर नहीं लगते, हमने उनके लिए भी व्यवस्था की। और हनुमानगढ़, राजस्थान से, अलवर से और हरियाणा में और जगह से काफ़ी लोग आए, तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी, ये देखें, क्योंकि अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे 10-10, 15-15 साल के बच्चे कांवड़ लेके जा रहे हैं और आने वाला जो युवा है वो धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था बढ़े और वो मजबूत होगा, जो धर्म के प्रति, जिसकी धर्म जो है ना, ये धर्म गलत को रोकने के लिए बना है, गलत काम करने के लिए। आप ये देखें कि घर में, अगर हमारे घर में कहीं चींटी भी कोई बच्चे ने मार दिया, कोई भी इस तरह का है, तो कहने नहीं, पाप चढ़ेगा। तो ये सब चीज़ें धर्म के, सनातन धर्म के अंदर ही हैं, नहीं तो और जगह तो बच्चों के सामने पशु भी काटते हैं, ये भी काटते हैं, तो वो कहाँ उसके मानवता उसके अंदर रहेगी। तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में बहुत कुछ है, इसे जो देखेगा समझेगा। आधुनिक युग में जो जा रहा है ना बच्चा, वो बहुत गलत कर रहा है। इतने अपने धर्म को पढ़े, वेदों को पढ़े, शास्त्रों को पढ़े और ज्ञान ले। मेरा तो यही निवेदन आपके माध्यम से है कि जो बच्चे हैं देख रहे हैं, यहाँ शाम को जिस समय भाई साहब ने यहाँ उसके डीजे का प्रोग्राम कर रखा था, भक्ति गीत के साथ में जितने यहाँ भजन के साथ में बोले गाते थे, उनकी थकान दूर हो जाती थी और सब शहर के लोग, काफ़ी लोग यहाँ आते थे, देखते थे बच्चे। सर, आप जैसे युवा हैं और आप अपनी पीढ़ी को सनातन धर्म के प्रति जागरूक होने के लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, जैसा कि अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया ये बात, कि एक ये बात निरंतर जो है ये सोशल मीडिया पर और सब जगह फैलाई जाती है कि जो युवा पीढ़ी है वो सनातन धर्म से या अध्यात्म से कहीं ना कहीं दूर है और वो ज़्यादातर मोबाइल और ये मूवीज़ और इन सब में, गेम्स इन सब में चली गई है। तो आप क्योंकि एक कवरेज कर रहे हैं, आप लोग पत्रकार हैं, आप पूरे कांवड़ यात्रा को देखिए, इतने युवा साथी कांवड़ लेके चल रहे हैं और जो लोग सेवादार हैं, जो सेवा कर रहे हैं, उसमें भी देखिए आप कितने युवा साथी सेवादारों की तरह वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो ये बात पुनः इस बात को और सशक्त करती है कि जो हमारे युवा है वो और धर्म की तरफ जो है प्रेरित हो रहा है, ना कि जो एक ये नैरेटिव चल रहा है कि युवा जो है धर्म से दूर जा रहा है। सर, योगी सरकार का एक रूल आया था, उत्तराखंड में भी इसको सहमति मिल गई थी कि कांवड़ पटरी पर सब रेस्टोरेंट या ढाबे, जो भी दुकानें हैं, सब पे ओनर के नाम लिखे जाएंगे, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, क्योंकि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए, पर मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि अगर आपका इंटेंट सही है, अगर आपकी भावना सही है, तो आपका नाम ना तो आपकी पहचान के आड़े आ सकता, ना आपके व्यापार के आड़े आ सकता है। हम एक ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ अलग अलग जातियों के, अलग अलग संप्रदायों के लोग रहते हैं और लोग बिजनेस करते आ रहे हैं, तो कहीं पे भी इस प्रकार की कोई भावना नहीं है कि किसी का नाम किसी के आड़े। हाँ, अगर आपकी इंटेंट ख़राब है और आप जान पूछ के नाम छुपा के कुछ और करना चाहते हैं, तो फिर देखिए उसका मैं समर्थन नहीं करता और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस बात का संज्ञान लेगा। और जिस प्रकार से कमर्शियल्स में हम लोग GST नंबर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, ये सब भी होता है, अगर उसमें नाम भी ऐड हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी बुराई और कहीं से भी इसमें कोई भाईचारा ख़राब नहीं होगा। धन्यवाद सर। अब पूरे शिविर का आपको एक बार, जी जी सर, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो ये बात अभी आपने सवाल पूछा भैया से, कुछ हर धर्म में दंगे ही होता है, हर धर्म में। यहाँ पे भेज बदल के हमने कई मुस्लिम जो है चोरी करते हुए, कांवड़ की शर्मा जी हमारे महामंत्री हैं, वो भी आगे, तो हमने कई लोग पकड़े हैं। वो उनके पीछे आस्था क्या है? ये कलियर के क्षेत्र के, आप देखो यहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उन्हें लगाते हैं और वो चोरी करते हैं कांवड़ की भेज में। तो ये जो था ना मामला, ये नाम का, इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, ये सारा का सारा जो है व्यवस्था बनाने के लिए था। इसे गलत राजनीतिक रंग दे दिया, इसे सभी को लाभ था।
नहीं तो हम तो यहाँ भुगत रहे, देख रहे कांवड़ियों के बेस में वो क्या नाम है मुस्लिम बच्चे, और वो चोरी करते पकड़े हमने यहाँ। तो सब तो नहीं होते इस तरह के, ये सब व्यवस्था ये ऐसे ही नहीं बनी थी, जो सरकार ने की थी ये बहुत अच्छी की थी। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का है जो भी वो करेंगे वो सही है। सर, इस रूल को नाम मतलब दे दिया गया, ऐसा विवाद हुआ कि हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की कोशिश की जा रही है, राजनीति की जा रही है। देखो, जिस व्यक्ति का जिस जाति में जन्म हुआ, जिस धर्म में जन्म हुआ, अगर वो उसे छिपाएगा तो उसकी मनसा तो कुछ समझ जाएगी। क्यों छिपाते हैं भाई, है चमार तो चमार लिखता है, तो हम अपना धर्म लिखने में क्या दिक्कत है, है। और ये तो मानसिकता इनकी मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, मुस्लिम मुसलमान से सामान खरीदना पसंद करता है, ये क्यों किसने चलाई पड़ता। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये विवाद का कारण बनेगा। और हम तो ये चाहते हैं कि जो सरकार ने किया था बहुत अच्छा किया था, अच्छे के लिए किया था। मैं बताया ना, हमारे यहाँ एक उदाहरण है, उस बंदे ने कहा कि हम अपने आप खाना बनाएंगे। मैं कहा हमारे कारीगर हैं बाहर हैं, वो होटल से मंगा देंगे। कहने नहीं, हम अपने आप खाएंगे। वो किसी के हाथ का खाना नहीं चाहते, वो उसके साथ में अगर धोखा हो तो उसी की आत्मा को क्या, वो इतनी दूर से संदेश जल लेके आ रहा है और उसका क्या संदेश जाएगा, उसकी आत्मा को कितना दुख होगा अगर उसे बनाने वाला कोई और मिल गया तो। इसलिए वो अपने साथ टीम ले गए, हर एक तो नहीं चल सकता, एक एक आदमी भी है, दो दो आदमी है। तो ये जो है ना, इस चीज़ का इसका उद्देश्य ये था, इसे गलत लोग ले गए। ये राजनीति में अब थोड़ा सा भी कोई मामला उसे राजनीति से जोड़ देते हैं। तो मेरा तो ये सभी से यही कहना है, हर मामले को राजनीति से ना जोड़ो और देश के बारे में सोचो। आप महामंत्री हैं हमारे, सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में, जो रेस्टोरेंट और ढाबों पर नेम प्लेट का सिस्टम लाया गया। देखिए, वैसे तो जिन लोगों ने इसके लिए आगे बढ़ के बात कही है, मुसलमानों ने, वो हर जगह अपनी पहचान दिखाना चाहते हैं। अगर वो हिंदू मोहल्ले में जाते हैं तो टोपी पहन के अपनी पहचान दिखाते हैं, स्कूलों में कहते हैं कि बुर्का लागू होना चाहिए, हर जगह जहां वो अपनी पहचान दिखा रहे हैं। और जिस जगह पहचान दिखाने के लिए सरकार ने जब कह दिया तो कहते हैं अब हमारी पहचान को छुपाया जाए। क्यों छुपाया जाए, हमारी आस्था के केंद्र है। इस टाइम पे जो कांवड़िए हैं बिना प्याज लहसुन का खाना खाते हैं, पूरा धर्म का अपना पालन करते हैं, नहा धो के करते हैं, ऐसे में उनको अगर विधर्मी लोग जो उनके लिए मांस मछली ढाबों पे पहले बनता आ रहा है उस जगह पे खाएंगे तो उनके धर्म की बहुत हानि होती है। इसलिए मैं सरकार के बिल्कुल साथ हूँ और चाहता हूँ कि हर एक दुकान पे हिंदू भी तो अपना नाम लिख रहा है, मुसलमान अगर उधर से गुजर रहा होगा तो मुसलमान भी स्वतंत्र खाए ना खाए। सिखों की दुकानें इतनी सारी, सिखों हमने किसी को कोई आपत्ति नहीं, सिर्फ एक वर्ग को क्यों आपत्ति हो रही है, इसका मतलब उनके कहीं ना कहीं मन में चोर है और वो चोरी करना चाहते हैं। तो आपको भी लगता है कि मतलब अगर ये रूल आ जाता है तो हिंदू मुसलमान में विरोध होगा? नहीं, क्या का विरोध होगा, मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक तो वो अपनी पहचान दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आज सरकार ने पहचान मांग लिया तो पहचान छुपानी है, क्यों छुपानी है? कोई नहीं, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है जो अपनी सरकार ने कहा है कि नाम होना चाहिए। जब हिंदुओं का कोई विरोध नहीं है भाई, यहाँ पे 20% संख्या तो मुसलमानों की भी है, जब हिंदू अपना नाम लिख रहा है तो उसे शर्म नहीं आ रही है तो उन्हें काहे के लिए शर्म आ रही है? आप कुछ कह रहे हो, विरोध है ना, ये राजनीतिक विरोध है, जनता का नहीं है, जनता नहीं इन चक्रों में पड़ती, ये राजनीतिक नेताओं की अपनी राजनीतिक वोट बैंक को अपने पक्ष में करने के लिए हमने तुम्हारे लिए इतना किया, ये सब नेताओं का विरोध है, जनता का नहीं है। और ये गलत कर रहे हैं, देश हित में ये काम की बांट रहे हैं, उधर तो जातिगत जनगणना कराएंगे, इस तरह की बातें कराएंगे, ये सब ये राजनीतिक विरोध है, इसमें कुछ नहीं, जनता आम जनता सब संतुष्ट है। सर आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कि ये जो रूल था नेम प्लेट वाला वो लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, इस मामले में मेरा ये कहना है, हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास को लेकर के हमेशा चली है और इसी मुद्दे पर अपना कार्य कर रही है। ना तो हमने किसी अल्पसंख्यक मोर्चे वालों का, जो भी अल्पसंख्यक हैं उनका विरोध किया, ना ही हिंदू का विरोध किया। ये मैं उनसे एक सवाल ये करना चाहता हूँ कि एडवोकेट अपना एडवोकेट नाम लिखता है, अपनी तख्ती बनवाता है, सी ए अपना नाम लिखता है, वो अपना नाम लिखता है, और जो भी व्यापारी है वो धड़ल्ले से स्वाभिमान से अपना नाम लिख सकता है। और मैं समझता हूँ जो हम व्यापार कर रहे हैं वो स्वाभिमान के साथ करें, अपने नाम के साथ करें, नाम छुपाकर आप व्यापार करना चाह रहे हो आखिर वो क्यों? तो इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह है कि वो हमारे जो इस बात को लेकर चल रहे हैं कि अपना नाम छुपाना चाहते हैं और व्यापार करना चाहते हैं, इसका मतलब उन्हें अपने आप पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। तो अगर वो व्यापार करना चाह रहे हैं, कोई दुकान चलाना चाह रहे हैं, तो अपने नाम से चलाएं, और अपने नाम से चलाएं
तो उसमें किसी की आस्था को कोई चोट पहुंचाने वाली सवाल ही नहीं, और ना ही किसी की आस्था को चोट पहुंचा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो। हिंदू को भी कहा गया है कि अपने व्यापार के साथ अपना नाम जोड़िए, मुस्लिम को भी कहा गया अपने साथ अपना व्यापार जोड़िए, सिख ईसाई जो भी इस भारत के अंदर व्यापार करता है या कोई भी काम करता है वो अगर अपना नाम जोड़ता है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट हमारे जो निर्णय है उनका हम सम्मान करते हैं, परंतु जनता की इस निर्णय से आहत पहुँची है मैं समझता हूँ। और ये आहत इसलिए पहुँची है कि आखिरकार जो लोग हमारी देवी देवताओं पर उनका बोर्ड लगाते हैं, उनका नाम यूज करते हैं और आस्था वो कहीं और रखते हैं, तो मैं समझता हूँ ऐसा इस भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। हाँ मैं कहता हूँ अगर वो नाम रखते हैं तो अपना नाम क्यों नहीं लिखते साथ में, ठीक है उन्होंने नाम कोई भी रख रखा हो लेकिन अपना नाम भी तो लिखें, वो अब्दुल हमीद है या कोई भी है तो अपना नाम उसके साथ जोड़ें। और रही बात कांवड़ शिविर की, देखिए इस भारत के अंदर सबसे बड़ा मेला ये कांवड़ भक्तों का है, और इसमें हमारी सरकार उनका जहां जगह जगह उनके भंडारे और उनकी आस्था के प्रतीक फूल बरसा रहा, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री जी हों चाहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों, आप देख रहे हैं किस तरह से आस्था के साथ उनकी हर भावनाओं की कदर की जा रही है। इसमें मैं इतना ही कहूँगा और लास्ट में मैं कहूँगा कि किसी की भावनाओं को कोई ठेस नहीं पहुँची है, मैं समझता हूँ ये नाम लिखने चाहिए और नाम उजागर होने चाहिए, नाम के साथ अपना व्यापार करना चाहिए। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि ये समिति पंचशील मंदिर समिति द्वारा ये पूरा कैंप भंडारा लगाया गया था, और आप पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर कांवड़िए आराम कर रहे हैं, दोपहर का समय है तो थककर इस कैंप में आराम किया जा रहा है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।